हमारे तालीम का मयार किधर है, हमारे तालीम के तालीम का मयार क्या है कि हमारे वजरा और वजीर तालीम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे तालीम का मयार क्या है। और अक्सर गवर्नमेंट ये दावा करती रही है कि भाई इंटरनेट बहाल है, बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में इंटरनेट, गवर्नमेंट स्टेटिस्टिकल पॉइंट्स पे आकर बैठ जाए कि कहाँ इंटरनेट बहाल है। कलात की हालत यह है कि लोग जो है ना 20-20 किलोमीटर सफर करके क्लासेस लेने के लिए जाते हैं, और जो है ना तुर्बत की क्या हालत है और आवारान की क्या हालत है, कहाँ इंटरनेट बहाल है। गवर्नमेंट एक मरतबा सीरियस होकर एक शहरी की निगाह से, एक शहरी की नजर से आकर देखे और समझे कि कहाँ पर है ये जो दावे हम इस्लामाबाद में बैठ के करते हैं, ये दावे जो हम पंजाब के एनक पहन कर करते हैं कि भाई जी भाई इंटरनेट है और हम जो है ना HEC के थ्रू क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करना चाहते हैं। आप सिर्फ पंजाब के एंगल से ना देखें, पूरे बलूचिस्तान को देखें क्या चल रहा है। पूरे 5 सालों से यहाँ इंटरनेट की बंदिश शुरू हुई है, और जवाब क्या बनाया गया, जी सिक्योरिटी खदशात है। सिक्योरिटी क्या कराची से ज्यादा टेररिस्ट मुंगचर और कलात और बलूचिस्तान में रहते हैं? क्या जो है ना लाहौर से ज्यादा मक्कार और झूठे लोग इधर रहते हैं? क्या पूरे पाकिस्तान में और कोई भी जगह नहीं मिली टेररिस्टों को जो आकर बलूचिस्तान और कलात में आके बैठ गए, और वो जो है मजीद जो है ना एहसास महरूमी की तरफ न धकेला जाए। और यहाँ जो है ना हमारे दोस्तों ने ये सब जो है ना तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं पूरे पंजाब और पाकिस्तान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, सबके क्लासेस शुरू हो रहे हैं, सबके असाइनमेंट्स हो रहे हैं, कोई भी नहीं दे सकता और सारे मजबूर होके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रहे हैं जिनके हाथों से 70 सालों से मुल्क चल रही है, उन्हीं के हाथों में देख रहे था कि इंटरनेट बहाल की जाए। और यहाँ एहतजाज हुई है, रोड बंद हुआ है, और ये रोड हमने सूबाई जिलाई इंतजामिया से ये बात करके खोली है कि 3 दिन तक हमने उनको मोहलत दी है, अगर 3 दिन तक नहीं खुलेगा हमारा एहतजाज इससे ज्यादा मुअसर और इससे ज्यादा पुरजोश और पुरअशोब होगा। मेहरबानी मिन्नतवार। सालों से इंटरनेट का बिल्कुल सिस्टम ही बंद हो चुका है, थोड़ा सख्त बहुत ज्यादा पर वैसे हमें कोई भी फैसिलिटीज मुहैया नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये इंटरनेट है ये भी बंद किया जा चुका है, तो तलबा काफी परेशान है इसकी वजह से, और ऑनलाइन क्लासेस का होना बिल्कुल नामुमकिन है। आज का हमारा एक इतिजाज पुरअमन इतिजाज था, हम स्टूडेंट हैं, हम कानून जानते हैं, हम जो है मुख्तलिफ शोबों के स्टूडेंट थे, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है, मुख्तलिफ बलूचिस्तान के, पंजाब के, GP के, सिंध और पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री स्टूडेंट्स आज एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं कि यहाँ पर काफी 4 साल से बंगोचर में इंटरनेट बंद है। आखिर इस बंदिश के पीछे क्या राज है, आज तक हमें किसी को भी पता ना चल सका। हम यही चाहते हैं कि बंगोचर के स्टूडेंट्स को इंटरनेट इसलिए बहाल किया जाए ताकि वो मुख्तलिफ जगहों पर जाने की बजाय यही अपने घरों में जो है रहकर अपनी क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट हुए वो ले सके। जैसे कि हुकूमत की पॉलिसी चल रही है कि स्टे होम स्टे सेफ, अगर आप अपने घरों में रहेंगे तभी हम अपने सेफ रह सकेंगे। ऐसे कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तेजी से हम लोगों जैसे कि पूरी आवाम खौफजदा है, उसी तरह मुगचर की आवाम भी बहुत खौफजदा है, तो वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। हम यही चाहते हैं कि